डीप मीनिंग है कि भाई कोई हमारे को बादशाह का कोई मज़हब नहीं होता, कंजर्वेशन करना है, चाहे वो जैन मॉन्यूमेंट हो, चाहे ब्राह्मण मॉन्यूमेंट हो, चाहे मुस्लिम मॉन्यूमेंट हो, या कुछ भी हो, उसे एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे उसका काम करना है। ये बीदर फोर्ट का जो तख्त महल है उसका एक्सकवेशन वर्क इन प्रोग्रेस का है। ये पूरे तस्वीरें ग़ुलाम यज़दानी साहब के ज़ेर निगरानी ही ली गई हैं और उनका पूरा काम भी जो है उनके ज़माने में ही और उनके ज़ेर निगरानी ही हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ये बोर्ड को मैं बहुत आप लोगों को चाहूँगा कि बहुत गौर से देखें आप, किसी ज़माने में चार मीनार पर लगा हुआ था ये, और इसमें लिखा है कि अगर एक भी कोई लकीर पड़ी या कुछ भी पड़ा तो तकरीबन 5,000 रुपये का जुर्माना होगा उस ज़माने में। ये नीचे जो है साइंड है ग़ुलाम यज़दानी, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी HES निज़ाम्स गवर्नमेंट, HES निज़ाम्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नोटिस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और ये 1928 का बोर्ड है ये, और इमेजिन करिए आप कि 1928 में अगर कोई मॉन्यूमेंट को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये की फ़ाइन है, यानी कि अगर गलती से भी आदमी को एक लकीर भी उस पर डाल दिया तो समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बेहलावत हो गई, और वो 5,000 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि कितने स्ट्रिक्ट थे वो लोग के अपनी तारीखी इमारतों के लिए, जो उनके जो जज्बा था उनके लिए। ये मैंने आर्कियोलॉजी वालों से पूछा लेकिन के बोर्ड का कहीं पता नहीं चला कहाँ गया, बल्कि तामचीनी का बोर्ड था वो। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा जो हमारा जो दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट का जो डेटा बेस है फोटोग्राफ्स का हैदराबाद की तारीख का, तकरीबन 13,800 फोटोग्राफ्स हैं 1850 से 1950 तक। That makes it one of the largest databases on a photographic databases on Hyderabad. ये एक किताब है अजंता की नक्काशी, नाम पढ़ा जा सकता है यहाँ पर। ये इत्तेफाक से मैं ये किताब अपने साथ लाया हूँ, अगर कोई देखना चाहे तो देख लें। मिड 1930s की किताब है, ऐसा लग रहा है कि आज प्रिंट होके आई है जर्मनी से। यानी कि आप समझ लीजिए कि उस ज़माने में जो क्वालिटी मेंटेन करते थे लोग, एक तो पहले आर्ट पेपर और जर्मनी से प्रिंटिंग, और एक मेरी ख्वाहिश रह गई क्योंकि मैं काफ़ी हैदराबाद की किताबें पर मुझे लोग किताब छपने से पहले लाके भाई ज़रा एडिट कर दीजिए देते हैं, तो काफ़ी गलतियां निकालने का मौका मिलता। यज़दानी साहब की किताब में मैं शायद ही कोई ज़ेर ज़बर की गलती कोई निकाल सके, अगर आप 100 बार भी पढ़ लें तो ज़ेर ज़बर की कोई गलती नहीं निकाल सकते। यानी कि परफेक्ट उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो या दूसरी कोई ज़बान में जिसमें भी किताबें छपी हैं, कभी कोई उसमें कोई गलती नहीं रही। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर डिपिक्ट करते हैं गुप्ता पीरियड, इंडियन हिस्ट्री का जो गुप्ता पीरियड है उसके बारे में है, और बुद्धिस्ट वो है। नोट मैंने सर्कुलेट किया है, उसमें एक बात बताई है कि 1920 और 1922 के बीच दो इटालियन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, और उस ज़माने में 400 पाउंड तनख्वाह ट्रैवल एक्सपेंडिचर के अलावा दे के वो लोगों से जो है वो काम किया गया, क्योंकि इटली में भी जो है उससे मिलते जुलते फ्रेस्कोस थे और वो लोग काम उस पर किए, और उसके बाद ये गैरमामूली तस्वीर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जितने भी पिक्चर्स हैं ये पूरे 1930s के एक EL वैसे करके थे अंग्रेज़, उनके ज़ेर निगरानी ये तस्वीरें ली गई हैं। कहा जाता है कि हर तस्वीर को पहले ग़ुलाम यज़दानी साहब देखते थे, वो अप्रूव होने के बाद वो छपने जाती थी। तो आप समझ लें कि कितना स्ट्रिक्ट क्वालिटी या स्टैंडर्ड होता था क्वालिटी कंट्रोल का, कि ये तस्वीर जो है कलर में 1930s की है। ये जितने भी हैं ज़्यादातर आफ्टर रेस्टोरेशन हैं। ये शायद गालिबन पूरे अजंता पेंटिंग्स की सबसे मशहूर वो है बोधिसत्वा पद्म पानी जी, ये भी बहुत मशहूर है ब्लैक प्रिंसेस जी। नेक्स्ट। जब शुरुआती काम, जैसा मैं भी बता रहा था आपको 1920s में जो काम हुआ इटालियन एक्सपर्ट्स का, उसके बाद 1923 में एक बैलरीना जिसका नाम है पैवलोवा, उसने लंदन में एक बैले किया अजंता के नाम से, और पूरे जितने भी उसमें जो वो थे उनके हरकत पूरे वो अजंता की पेंटिंग्स के बेसिस पे वो किया गया। और बाद में एक बर्लिंगटन मैगजीन है 1931 में उन्होंने कहा कि परहैप्स द अजंता पेंटिंग्स आर द ग्रेटेस्ट आर्ट वंडर्स ऑफ एशिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड्स बताने का मकसद एक ये भी है कि आप ये समझ लें, तसव्वुर ये कर लें कि इसमें इतनी मेहनत और मशक्क़त
कि उस ज़माने में लोगों ने 1920s में अर्ली 1900s में कि वहाँ पर जो मैं तो जंगली नहीं कहूँगा लेकिन जो अनकल्चर्ड या अनसिविलाइज्ड लोग रहते थे मतलब बाद के, उन्होंने खाना पकाया उसके वजह से धुआं और ये सब चीज़ों की वजह से पूरा काला मतलब अपनी यजदानी साहब खुद अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि हम अंदर जब गए तो ऐसा लगता था कि गार में कोई कुछ हर चीज़ काली बिल्कुल, तो काले में से बिल्कुल कोयले में से पूरा गर्द और जो भी गिलाजत थी उसके निकालने के बाद ये चीज़ें सब सामने आईं, तो बहुत एक अपने आप में एक बहुत अजूबा है ये कोई अच्छी कोई चीज़ को सिर्फ थोड़ा और टचअप नहीं है, ये बिल्कुल काला यानी कि कोई चीज़ दिख भी नहीं रही थी उसको लेके आके ऐसा बनाना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट स्लाइड जी, सीलिंग का पैनल है ऊपर का उस ज़माने का। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये जो बनाने का तरीक़ा था ये लोगों का, वो ये लोगों ने कुछ नियर परफेक्ट रेप्लिकेट किया, इस वजह से भी ये रेस्टोर कर पाए। लेकिन हम लोगों को मतलब व्हेन वी लुक बैक इन टाइम, एक तकरीबन 1500 साल के बाद, ये बनने के 1500 साल के बाद हम लोग जब देख रहे हैं इसे, तो ताज्जुब यह होता है कि ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना किसी किस्म के कोई लाइट थी, सिर्फ जला के कोई कोयला या लकड़ी जला के वो लाइट में ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, तो बहुत अपने आप में खुद एक अजूबा है। नेक्स्ट स्लाइड। खालिद सईद साहब ने अभी जिक्र किया एंटीक्विटीज़ ऑफ बीदर, ये इत्तेफाक़ से ग़ुलाम यज़दानी साहब का पहला मेजर पब्लिकेशन है और ये मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। शायद नॉन फैमिली मेम्बर्स में मैं शायद एक ही शख्स हूँ कहीं पे भी जहाँ जिसके पास डॉक्टर ग़ुलाम यज़दानी की सारी पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स अजंता सब मेरे पास इन ओरिजिनल एक सेट मौजूद है मेरे पर्सनल कलेक्शन में। कोई लोग यहाँ पर मौजूद हैं बचपना अगर गुजरा है तो इनका यहाँ पर नाम तोड़फोड़ इस्माइल रखा गया था, इनका हैदराबादी इन्हें तोड़फोड़ इस्माइल बोलते जी, तोड़फोड़ इस्माइल इसलिए क्योंकि रोड्स काफ़ी सही किए उन्होंने जी। नहीं, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट इन ऑल्सो ऑफ जयपुर एंड ऑल्सो ऑफ हैदराबाद ट्वाइस। तो ये तस्वीर में डॉक्टर ग़ुलाम यज़दानी का जो है वो डीलिट यानी कि पोस्ट डॉक्टरल वो दे रहे हैं 47 में एज वाइस चांसलर। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत मशहूर तस्वीर है, शायद फैमिली मेम्बर्स को इट में वो सम नॉस्टैल्जिया। ये जो है पद्म भूषण के अवार्ड से जो है ने नवाजा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाबू राजेंद्र प्रसाद की तरफ से 1959 में। अभी जैसा खालिद सईद साहब ने फरमाया था कि जो इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जब मिला तो सरोजनी नायडू ने उन्हें ख़त लिखा कि खिताबात मिलते हैं लोगों को का नाम बढ़ाने या उनकी इज़्ज़त बढ़ाने, लेकिन ये खिताब आपको देने के बाद वो खिताब की इज्जत बढ़ गई आपसे ज़्यादा बोल के। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अफसोस की बात तो ये है कि डॉक्टर ग़ुलाम यज़दानी का इंतकाल 13 नवंबर 1962 को हुआ यानी कि तकरीबन 52 साल पहले, और उनकी याद में सिर्फ एक अदना सा एक छोटा सा कॉमरेशन वॉल्यूम आया है 1966 में, वो भी उनकी मेरे ख्याल में मसूद यज़दानी और तस्लीम मसूद यज़दानी की काविशों से ये जो है सामने आया। कभी कोई फुल फ्लेश कोई किताब उनके मेमोरी में कभी आई नहीं है। कोशिश अगर होगी तो देखिए, अब मैं ये वादा करता हूँ अगर कोई किसी को दिलचस्पी है कुछ किताब लिखने की तो मैं मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इससे बड़ा क्या नमूना मिल सकता है कि हैदराबाद की जो उस ज़माने की आसिफ जाही सरकार थी उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प्स एलोरा केव्स, ये आपके दौलताबाद का मीनार चार मीनार, महमूद गांव का मदरसा, सिटी कॉलेज और गंडी पे। नेक्स्ट स्लाइड। ये खैर आर्कियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, उस्मान अली ख़ान के सिल्वर जुबली के हैं चार इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जुबली हॉल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट और उस्मानिया हॉस्पिटल। नेक्स्ट स्लाइड। मुझे बेहद खुशी होती अगर आज यहाँ पर हमारे बीच फातिमा यज़दानी मौजूद होती। ये यज़दानी साहब के रिटायरमेंट की तस्वीर है ये 1943 की, और मेरी खुशकिस्मती है कि इसमें से एक
साहब से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था, ये हैं डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अहमद जो 1940s में डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी थे और 1990s में उनका तकरीबन ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 100 उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। ये 1920s की हैं, ये केव्स में जो है ब्रिटिशर्स के लिए इंस्पेक्शन पे आए थे रेवेन्यू मेंबर के, भाई आप लोगों ने 30 लाख रुपए किस चीज़ पे खर्च करे बताइए, तो पूरा रिपोर्ट उनको देना था गवर्नमेंट को। तो वो लोग, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहली बार देखी जा रही हैं, आज तक कभी मंजर आम पे नहीं आई हैं ये स्लाइड, ये तस्वीरें कभी। ये डॉक्टर यजदानी मेरे ख्याल में काफ़ी वो प्रोटोकॉल के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ड्रेस वगैरह के मामले में बिल्कुल, अपने पूरा शेरवानी दस्तार बगलू सब चीज़ पूरी मौजूद है। और ये रेवेन्यू मेंबर है ब्रिटिशर हैदराबाद गवर्नमेंट के। और एक शायद एक मैंने एक चीज़ नोटिस की है उनकी तस्वीरों में कि, और ये माइंड यू जितने भी हैं तस्वीरें सब ओरिजिनल मेरे पास ही हैं, शेरवानी पे शायद नीचे पैंट पहनते थे वो, एक अच्छा एक फैशन स्टेटमेंट भी है साथ में समझे। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्लोजअप में है एक तस्वीर, ये सर अकबर हैदरी हैदर नवाज जंग जो किसी ज़माने में फाइनेंस मेंबर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, अकबर अली नज़र अली हैदरी। ये भी जितनी भी तस्वीरें हैं ये सब केव्स के इंस्पेक्शन पे हैं ये पूरे। मुझे जो इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वहाँ के डायरेक्टर साउथ हैं दयालन साहब बता रहे थे कि ये मोहतरमा ने 1920s में झाड़ लगाया था, वो अभी भी मौजूद है। जितने भी हैं वो वही ट्रिप की हैं लेट 1920s की, जो 30 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर उन्होंने इनकर किया था। वो ज़माने में अकाउंटेबिलिटी बहुत हुआ करती थी, अगर आप गौर से डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स किसी के पास हैं एक आध भी कॉपी उसमें देखें कि एक एक पैसे तक का उसमें हिसाब मौजूद है कि आज मैं बीदर गया था 2 दिन लगे, 12 रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ, 8 आने का फला फला, तो एक लास्ट पाई तक भी उसमें हिसाब मौजूद है। मुझे खुशी है लोगों के सामने ये तस्वीरें रखने में, इसलिए भी कि पहले ये कभी देखी नहीं गई हैं और कभी पब्लिश भी नहीं हुई ये पालकी में, क्योंकि वो पहले तो जो है वो वेदर में यहाँ जितने भी आप देखें कि 1890s से जितने भी यूरोपियन लोग आए हैं वो ज़्यादातर नवंबर दिसंबर या जनवरी में आए हैं, और ये गर्मी के मौसम में जो है वो तो मोहतरमा पिघल गई होंगी गालिबा। ये अकबर हैदरी साहब जो है वो रिपोर्ट उनकी देखते हुए कि भाई आप वही जैसा मैंने बताया आपको कि 3.5-4 साल में 30 लाख रुपये जो खर्च किए गए, जिसमें तकरीबन 30 मील की जो है रोड, एक जो बहुत बड़ा कारनामा उस ज़माने की हुकूमत का है, वो 30 किलोमीटर की जो रोड थी वो बिल्कुल, यानी कि आज की तारीख में आप कार लेके अपने बिल्कुल एट दी एंट्रेंस ऑफ दी केव्स तक जा सकते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा अपने आप में कारनामा है कि एक्सेसिबिलिटी उस जगह की। अकबर अली मतलब आपके अकबर हैदरी साहब आराम से पहचाने जा सकते हैं तस्वीर में। ये ज़रा उससे अलग अजंता से हटके है, ये आपके चचा हैं या वालिद हैं? वालिद जी, गुलाम यजदानी साहब अपने बेटे मसूद यजदानी के साथ ये कोंडापुर एक्सकवेशंस में जो है वो सुपरवाइज करते हुए या देखते हुए। वैसे मैंने वो नोट में दिया है कि डॉक्टर गुलाम यजदानी के 2 लड़के और 5 लड़कियां थी, और इस वक्त 2 लड़कियां उनकी माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी उम्र दे। एक ग्रैंड सन एक ग्रैंड डॉटर यहाँ इस वक्त मौजूद हैं उनकी जी। अभी जब ये होने के बाद वो लोगों से फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। जी जितनी भी तस्वीरें हैं ज़्यादातर ये केव्स की। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप एक कहीं रोक के रखें उसको, कि ये लोगों ने सिर्फ अजंता फ्रेस्कोस के 4 वॉल्यूम्स ही नहीं बल्कि बाकायदा पूरे 29 केव्स की जितनी भी पेंटिंग्स थी उसकी पूरी कॉपीज़ की कॉपीज़ करवाई, जो कि पब्लिक गार्डन्स में जो उनका स्टेट म्यूज़ियम है उसमें एक अजंता पवेलियन के नाम से मशहूर था, और अभी भी कुछ सेक्शंस उसके। सबसे अहम बात यह है जो इंडियन पेंटिंग में दिलचस्पी रखते हैं वो लोगों के लिए कि वो जो रेप्लिका तो नहीं बोलूँगा मैं, इट्स अ कॉपी ऑफ दी ओरिजिनल अजंता पेंटिंग्स, उसमें जो डिटेल्स और उसमें जो बातें हैं एक्चुअल, अगर आप उसकी कॉपी ले जाके आज की तारीख में कोई भी केव 17 से लेके केव 29 तक देखें तो वो डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि
मॉडर्न कंजर्वेशन टेक्निक्स ऐसी हो गई कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से नीचे गिर के बिल्कुल सिर्फ आपको पत्थर नज़र आएगा। ये 1941 में जब थे डायरेक्टर यज़दानी साहब, तकरीबन 1914 से 30 साल उनके जो है वो पीरियड रहा है, 29 years, द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एनीवेयर इन इंडिया फॉर एनी आर्कियोलॉजिकल सेक्शन इन इंडिया। माशाल्लाह जी, एक क्रॉस सेक्शन है मेगालिथिक बरियल का। नेक्स्ट, मेरे दोस्त ऑडियंस में बैठे हुए हैं, अमरबीर सिंह साहब वाइस प्रेसिडेंट HSBC के, वो बहुत खुश हो रहे हैं ये स्लाइड देख के। और ये है एक हैदराबाद का नोट का, करेंसी नोट का डिज़ाइन, जिसमें एक आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक नॉन मुस्लिम चीज़ को एज एन एम्बलम अपनी उसमें लेना, एक इससे बड़ी सेक्युलरिज्म की और मिसाल क्या चाहिए बताइए आप। अगर ये नहीं होती तो 1724 से 1948 तक 224 साल की खुशहाली कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग आज की तारीख में। एक में पिलर था, एक में केव्स का पूरा आ गया। यहाँ भी ये करेंसी नोट्स के, हैदराबाद के करेंसी नोट्स के डिज़ाइन हैं, जो शायद डीलरू लंदन वहाँ पर, ये अगर शायद 1948 के बाद हैड द रूल कंटिन्यूड प्रॉब्ली दिस वुड हैव। को जो अभी 6 पेज का नोट दिया गया है उसमें एक ये किताब का भी जिक्र है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ दखन, जो है ये भी एक क्लासिक समझी जाती है, 1960 में आई थी शायद मेरे ख्याल में। ये डॉक्टर गुलाम यज़दानी का लास्ट मेजर पब्लिकेशन है, क्योंकि उनका इंतकाल जब 62 में हुआ तो इसमें प्री हिस्ट्री से अर्ली पीरियड ऑफ दखन हिस्ट्री इसमें कवर किया जाता है। इसका रीप्रिंट शायद हाल में आया है, मैं एक शायद उसमें दाम बताना चाह रहा था, 150 रुपये लिखा है एक किताब का, शायद उस ज़माने में 150 रुपये में 5 तोले सोना आ जाता था। सिविल लिस्ट का मैंने इसलिए भी इसमें रखा है, मैं बताना चाह रहा था कि उस ज़माने में ग़ुलाम यज़दानी साहब की क्या तनख्वाह थी, और आप लोगों को सुन के ताजुब होगा कि उनकी उस ज़माने में इफ्तिताही दौर में 1000 रुपये तनख्वाह थी, यानी कि एक बड़े राजा महाराजा की आमदनी के बराबर। मैं ऐसे पोजिशन पर हूँ, डायरेक्टर है देखिए आप जी, यानी कि उस ज़माने में आप समझ लें कि महबूब अली ख़ान का दौर आप ले लें 1869 से 1911, या उस्माली ख़ान का दौर ले लें 1911 से 1948 तक का, ये लोगों ने टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया और पता नहीं कहां कहां से लोगों को बुलाया, फ़लाँ बिलगिरामी, फ़लाँ, लेकिन सब टैलेंटेड लोग थे। ये शायद दूसरा उसमें है जिसमें गालिबन यज़दानी साहब रिटायर हो गए थे शायद, ख्वाजा मोहम्मद अहमद साहब हैं यहाँ पर जी, ऊपर डायरेक्टर वैकेंट है, तो वो 43 के बाद का सिविल लिस्ट मैंने दिया है कि जस्ट रिटायरमेंट के बाद का। हर 6 महीने में एक लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की निकलती थी उस ज़माने में, आज की तारीख में भी निकलती है सिविल लिस्ट करके। ये उनकी उर्दू की, दिस इज़ द फर्स्ट एवर रिपोर्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आसिफिया दौर रहा है इतना, यानी कि सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से इतना सिस्टमैटिक दौर रहा है कि हर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट होती थी हर साल की, उसमें क्या किया गया क्या है। आज की तारीख में आप जाके कोई डिपार्टमेंट में पूछे तो कोई पता ही नहीं, कोई नहीं ना कोई पुरसाने हाल है। ये सबसे पहली 1914 और 15 की मिला के 1916 में रिपोर्ट छपी थी 4 रुपये में। नेक्स्ट स्लाइड, मैं डॉक्टर एम ए खयूम साहब को दावत दूंगा कि यहाँ पर आएँ, और आप लोगों को बता दूं कि एम ए खयूम साहब रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं, और हैदराबाद की तारीख, तहजीब और तमद्दुन पे महारत हासिल है। ये एनुअल रिपोर्ट का कवर है। नेक्स्ट स्लाइड, ये वाका टका इंस्टीट्यूट, ये एक गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है उस ज़माने का। फारूक साहब ईयर क्या है देखिए आप, 41 जी। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद का मोनोग्राम है, आसिफ जाहिर का भी है, 48 के बाद का, ख्वाजा मोहम्मद अहमद साहब डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी। देखा जा सकता है कि किस टाइप का प्री हिस्टोरिक बरियल होता था उस जमाने में, और उसका क्या लोग जब जाते थे तो उनके साथ पूरे अनाज और पूरे चीजें सब साथ रहते थे। Next.
जैसा भी कमेंट से एक साथ बता रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट फेडरल एग्जाम उनके जो मेन अचीवमेंट्स हैं लिस्ट मैंने दे दी है उसमें शायद परिंदा फोर्ट और शायद दो तीन नाम मिस हो गए हैं। बार बार मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म का माहौल है जिस किस्म के हालात हैं उसमें लोगों को ये बताना जरूरी है कि हमारे 224 साल का जो हुकूमत के जमाने में तो प्योरली सेक्युलर रूल था वो और ये बड़ा पूर्व और दूसरे जवान से जो है All these pictures are after restoration of the caves and paintings by the Hyderabad state. This is a plan of the Elora. Next. Hold on a second. Please go back. This temple finds a mention in the list that I have provided you, Mahadeva temple at It's currently in the Raichur district, Palampet, the ornamental soul pillar. Next. This is at Raichur. Once upon a time, part of the Hyderabad state. Next. एक चीज आप लोग गौर करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स में उसके इतने डिटेल्ड साइट प्लान्स हैं कि उनसे उस जमाने की लोगों की दिलचस्पी और सीरियसनेस का भी पता चलता है। In those days, in 1933, the brochure of the Hyderabad, the Department of Archaeology said this book was available for a price of 50 rupees Usmania Sikka. This is just a representative of about four or five sections where the ornamentation is there. Next.